यूएनएससी में आर्टिकल 370 पर चर्चा से पाकिस्तान फिर से वैश्विक पटल पर अपनी किरकिरी करवा बैठा है। 5 स्थायी सदस्यों वाली यूएनएससी में बस चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। बाकी सभी सदस्यों का मानना है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का फैसला भारत का आंतरिक मुद्दा है और इसमें दूसरे देशों का दखल देना ठीक नहीं है। हालांकि भारत पाक के बीच बढ़ी तनाव को दूर करने की बाकी सदस्यों ने बात कही है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत में आतंक को बढ़ावा दिया है उसे भी नकारा नहीं जा सकता। चीन भी पाकिस्तान के आतंक कनेक्शन का जिक्र कर चुका है। आपको बता दें कि चीन की जिद पर हुई यूएनएससी की बैठक अनऑफिशियल थी। इस बैठक को यूएनएससी में रिकॉर्ड भी नहीं किया गया। एक तरह से कहा जा सकता है कि रोते पाकिस्तान को चीन ने यूएनएससी की लॉलीपॉप देकर चुप कराने की कोशिश की। पाकिस्तान को इस तरह की वैश्विक बेइज्जती अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। तिलमिलाया पाकिस्तान अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर करीब 20 मिनट लंबी बातचीत की। बिजली, पानी, महंगाई का संकट झेल रहा पाकिस्तान अब कश्मीर पर अमेरिका के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का कहना है, इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति को विश्वास में लिया है। पीएम कई देशों के संपर्क में है और कश्मीर मुद्दे पर वैश्विक समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन भारत की कूटनीति और वैश्विक दोस्ती के सामने पाकिस्तान हर मंच पर मार खा रहा है। सुपर पावर चीन भी चुप है और अमेरिका भी नर्म है। अब ऐसे में पाकिस्तान को आर्टिकल 370 जैसे भारत के आंतरिक मुद्दे को छोड़ अपनी अर्थव्यवस्था, गरीबी और दाना पानी का ध्यान देना चाहिए। नवोदय टाइम्स के लिए उज्ज्वल प्रियवीर की रिपोर्ट।